हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पाइजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर साल इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपके पियाजे हों, चाहे वो कोहलबर्ग हों, चाहे वो वाइगोत्स्की हों, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। और मैं कहूँ तो ये एक तरह के पिलर होते हैं आपके इस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में, जिन पे सारे क्वेश्चन बेस्ड भी होते हैं और कई सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं अक्सर। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जानेंगे पियाजे के बारे में, उन्होंने जो दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट संज्ञानात्मक विकास के संबंध में, और उनकी जो चार अवस्थाएँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके जो संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं उन्होंने जो दी थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं पियाजे से संबंधित, उनका कलेक्शन रहेगा। तो आप इस वीडियो के बाद जस्ट उसे देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम चलिए स्टार्ट करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो पहले हम पियाजे के बारे में जानने से पहले हम समझ लेते हैं संज्ञान क्या होता है। आपको दिख रहा होगा संज्ञान कॉग्निटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो संज्ञान होता है वो प्राणी की एक व्यापक और अस्थायी ज्ञान है, ठीक है। जो संज्ञान है कॉग्निटिव है वो क्या है, प्राणी का एक व्यापक और अस्थायी ज्ञान कहते हैं, परमानेंट ज्ञान होता है, जिससे वह वातावरण, ठीक है, चाहे वो उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो जो ये कॉग्निटिव है, ये संज्ञान जो है वो क्या होती है, एक अस्थाई ज्ञान है। किसकी, प्राणी की, एक अस्थाई और व्यापक ज्ञान है जो उसे अपने आसपास के परिवेश से मिलता है, अपने समाज से मिलता है या बाह्य जगत से वो ग्रहण करता है, जो उसके मस्तिष्क में बस जाता है वही उसका संज्ञान कहलाता है। तो हमने समझ लिया संज्ञान का मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं पियाजे के बारे में। तो पियाजे का जो पूरा नाम था वो था जीन पियाजे, इनका पूरा नाम था जीन पियाजे, और ये स्विट्जरलैंड के जीव विज्ञानी थे। इन्होंने बाल विकास का जो अपना अध्ययन है अपनी ही तीन संतानों पर प्रेक्षण मीन्स होता है एक्सपेरिमेंट करते हुए आरंभ किया था। तो मैंने इस वीडियो में बस वही पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा लिखने से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और आपको ज़्यादा वही लिखना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम इसमें बस वही पढ़ेंगे। तो यहीं से आपके दो क्वेश्चन निकलते हैं कि जैसे जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो आप लिख के आएंगे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वो क्या थे, तो वो जीव वैज्ञानिक थे। फिर सेकंड है कि इन्होंने जो बाल विकास का अध्ययन था वो अपने ही तीन संतानों पर प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया, मतलब इन्होंने जो बाल विकास का अध्ययन किया फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही जो बच्चे थे, अपने ही जो संतान थी उन पर ही इन्होंने स्टार्ट किया। फिर बाद में अन्य बच्चों पर भी अन्वेषण किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन पहले जो किया वो अपने ही तीन बच्चों पर इन्होंने किया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर इनके विचार के बारे में देख लेते हैं, पियाजे के विचार क्या थे। तो इनके अनुसार किशोरावस्था से बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक नया रुख लेता है, मतलब इनका जो मानना था कि जो किशोरावस्था होती है वहाँ से ही बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, वो नया मोड़ लेता है वहीं से, किशोरावस्था से। फिर आगे इन्होंने बताया कि किशोरावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था प्रारंभ होती है जिसे इन्होंने कहा औपचारिक परिचालन अवस्था। मतलब इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था होती है वहाँ से संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एक स्पेशल स्टेज स्टार्ट होता है, उसको इन्होंने दिया नाम औपचारिक परिचालन अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब ये औपचारिक परिचालन अवस्था क्या होता है, तो इसे ओरली समझ लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा है उसको एक प्रॉब्लम दी जा रही है, ठीक है, अब उसे उसका सलूशन निकालना है। तो वो बच्चा, मतलब ये किशोरावस्था की बात कर रही है, तो किशोरावस्था में बच्चा जो होता है वो सॉल्व कर ही लेगा, जो 15 के बाद 16 के बाद जो बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, सोल्यूशन निकाल ही लेगा। तो वो क्या होगा कि
तो जो बच्चे के सामने अगर हम कोई समस्या रख देते हैं, तो पहले वो क्या करता है कि जो भी उसके संभावित जो समाधान होते हैं उनकी जांच करता है, पहले उन पहलुओं की जांच करता है, और जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उन सबका कलेक्शन करता है, और फिर एक तरह का रिलेशन बैठाता है उन प्रॉब्लम से, और उसके पास जो ऑलरेडी जो भी उसके पास क्लू वगैरह हैं उनसे रिलेटेड उन चीज़ों की भी जांच करता है, और तब जाके एक रिजल्ट पे पहुंचता है। तो यही होती है औपचारिक परिचालन अवस्था, मतलब क्रमबद्ध तरीके से बच्चा जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए वो तत्पर रहता है, तो वही होता है औपचारिक परिचालन अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब बालक को इस अवस्था में किसी समस्या को समाधान करने की या उसके सभी पहलुओं की जाँच करने की जो होती है प्रवृत्ति होती है, फिर वो सभी संभावित जो होते हैं समाधान उनको कलेक्ट करता है, फिर विभिन्न गुणों के बीच उनका जो होता है रिलेशन बनाता है, और उसके बाद वो क्रमबद्ध तरीके से उस रिजल्ट तक पहुंचता है, ठीक है, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक डिडक्टिव रीजनिंग। ये हो गया। अब यही मतलब उसकी क्या देखी जा रही है कि एक वैज्ञानिक चिंतन उसके में डेवलप हो रहा है, बच्चे में क्या हो रहा है, एक लॉजिकल तरीके से सोचने की क्षमता जो है उसके अंदर आ रही है। तो यही होती है औपचारिक परिचालन अवस्था। तो किससे संबंधित है, तो किशोरा अवस्था से ही संबंधित है। आप क्या टिक करके आएंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाई चांस आ गए, तो आप क्या कहेंगे, किशोरावस्था से संबंधित था क्या औपचारिक परिचालन अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइजेट इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है कि इसमें इन्होंने पांच जो दिए थे मूल संप्रत्यय दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसके पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट बताए थे। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। पहला है संज्ञानात्मक संरचना, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो नहीं लेकिन स्कीमा से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो स्कीमा को मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी कि स्कीमा होता क्या है। फिर नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन जो होता है उसको कहते हैं एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन में दो भागों में इन्होंने विभाजित किया था, वो था समावेशन मतलब एसिमिलेशन, और दूसरा है आपका समायोजन, ठीक है, मतलब आपका एकोमोडेशन। फिर आता है संरक्षण मतलब आपका कंजर्वेशन, और फिर आता है विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रिक, ठीक है। तो ये थे कुछ इनके पांच बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप एक बार देख लेंगे। अगर पूछ लेगा कि कितने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे उन्होंने, तो आप क्या करके आएंगे, आप बोलेंगे पांच, ठीक है, पांच थे, और अगर इनमें से कोई उसमें ऑप्शन में करके रख के दे दिया तो आई थिंक आप कर लेंगे। संज्ञानात्मक संरचना हो गई, स्कीमा तो अगर आप कहीं भी देखें तो समझ लीजिए वो किससे जुड़ा है, पाइजेट से ही जुड़ा है, ठीक है, तो स्कीमा। अब चलिए हम स्कीमा को समझा देते हैं आपको, स्कीमा होता क्या है। स्कीमा का जो है मीनिंग, मॉर्गन थे एक और वैज्ञानिक थे, और किंग वैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं हम। इन्होंने क्या कहा कि मतलब जो कोई बच्चा है अगर वो अपने परिवेश या दुनिया, ठीक है, से जुड़ी जिस चीज़ को अपने तरीके से निरूपित करता है वही उसका स्कीमा कहलाता है। मतलब कोई बच्चा है और उसके अगल बगल चीज़ें जिस तरह से बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, या जो भी कहानियाँ वो गढ़ता है, जो भी चीज़ें वो बताता है, उसकी स्कीमा मस्तिष्क में जो निरूपित हो जाती हैं बस जाती हैं, और वो दूसरे से बड़ों से उसी चीज़ों को बताते रहता है, मतलब अपने ही लैंग्वेज में वो बताता है कि उसके अगल बगल कैसी घटनाएं हैं हुई हैं, तो वही होता है स्कीमा। मतलब कोई बालक अपने परिवेश या अपनी दुनिया को जिस ढंग से निरूपित करता है वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। लेकिन यदि कोई बच्चा है और उसके संपर्क में जो चीज़ें आ रही हैं और उसे वो क्लियरली समझ नहीं पा रहा है तो क्या हो जाएगा, तब तक वो उस पर गहन क्या करेगा, ध्यान देता रहेगा जब तक कि उसके बारे में वो ठीक से जानकारी उसे नहीं मिल जाती। तो ये हो गया आपका स्कीमा। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि जब कोई बच्चे के सामने जो भी सिचुएशन होती है तो उसको वो अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से जिस प्रकार से आप वो एक्सप्रेस करता है तो वही होता है उसका स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्कीमा क्या मतलब समझ लीजिए, मानसिक संरचना से एक तरह का संबंधित है, ठीक है, जो आपके अगल बगल के वातावरण से जो बच्चा होता है
उससे संबंधित होता है। तो ये हो जाएगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें स्कीमा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नो कन्फ्यूज़न, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, मतलब पाइजेट स्टेजेस ऑफ कॉन्गेनेटिव डेवलपमेंट। अब इसको देख लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं को दिया था, और वो जो अवस्थाएं हैं वो हैं इंद्रियजनित गामक अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज बताई थी उन्होंने 0 से 2 साल। ठीक है, 0 to 2 years उन्होंने बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसको इन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये, और इसका एज जो बताया था वो 2 से 7 वर्ष तक बताया था। थर्ड जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसको, और ये 7 से 11 वर्ष इन्होंने बताया था। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 11 से 15 साल तक के आगे की जो अवस्था है उसको बोला था इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो स्टेजेस आपको दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर पूछ दिया आपसे कि इंद्रियजनित जो गामक अवस्था है उसकी जो एज है वो क्या है, उम्र क्या है, तो आपको दे देगा 0 से 2 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 0 से 11, ऐसे करके आपको दे देगा कन्फ्यूजन करने के लिए। लेकिन आपको अगर लर्न रहेगा तो आप क्या करके आएंगे, जन्म से जो 2 वर्ष तक होती है या 0 से जो 2 वर्ष होती है वो क्या होती है, इंद्रियजनित गामक अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। लेकिन इसको एक याद करने की भी ट्रिक है जो मैंने नीचे देखिए बताया हुआ है आपको, ये है सबने पूजी मूर्ति आपकी। तो मतलब एक आप किसी भी चीज़ को आप लर्न करने से पहले आप मतलब उसको अपने माइंड में सेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सबने पूजी मूर्ति आपकी है, तो आप स से आप याद कर लो कि संवेदी गामक अवस्था है, प से है इसमें पूजी है तो आप याद कर लो पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्ति है तो मूर्त संक्रियात्मक है, और आ है तो औपचारिक संक्रियात्मक है। तो आई थिंक आप इसको ट्रिक को लर्न कर लेंगे, मैंने भी ऐसे ही लर्न किया था, आप भी ऐसे लर्न कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि इससे आने ही है क्वेश्चन। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, तो उसको डिटेल में भी तो जाना पड़ेगा कि होता क्या है, तब तो क्लियर होगा। ये है कि संवेदी गामक अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और इसकी जो अवस्था है, ठीक है, ये अवस्था की जो आयु है वो है जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की। ठीक है, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। अगर इसकी विशेषता बताई जाए तो वस्तु अस्थायित्व की विशेषता भी इसको कह सकते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व कन्फ्यूज़न होता है कि वस्तु अस्थायित्व की विशेषता कौन कौन सी, तो कई जगह संवेदी गामक अवस्था भी देता है और कई जगह आपका जो होता है सेकंड वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिए, अभी केवल ध्यान दीजिए। वो तो कल जो भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे पहले, लेकिन अभी थ्योरी पे ध्यान देते हैं। तो इस अवस्था की जो एज होती है तो वो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक रहती है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को स्पर्श करके, देख कर तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब जो बच्चा होता है वो छू कर, जैसे कोई उसके सामने सामान रख दी जाए तो उसे छुएगा, देखेगा, फिर अगर उसे कुछ खिलाया जाए तो खट्टा, तीता, मीठा, तब उसके फेस जो होते हैं फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसको कैसा लग रहा है। तो तब जाके वो ज्ञान प्राप्त करता है उन चीज़ों को, इस तरह से करके, स्पर्श करके, देखकर और स्वाद के माध्यम से। नेक्स्ट है कि जो भी रिलेटिव होते हैं उनको देखकर तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे भी कोई अनजान की गोदी में वो जाता है बच्चा जो है शैशवावस्था में, तो क्या हो जाता है, देखकर भयभीत हो जाता है, वो डरने लगता है और नहीं जाता है। तो ये जो बिहेव होता है, ये जो करेक्टर होते हैं वो किन एज में होते हैं, वो संवेदी गामक जो अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, जन्म से लगभग 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, या आप कह सकते हैं शैशवावस्था होती है, उसी में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी जो अवस्था आयु है वो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक पारी जाती है।
इस अवस्था में तर्क आधारित विश्वास भी प्रकट होते हैं, मतलब बच्चा जो होता है वो तर्क करने लगता है, पेरेंट्स से करेगा, फैमिली मेम्बर से करेगा कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये इस तरह क्यों होता है, वो उस तरह क्यों होता है, तो मतलब तर्क करना, ठीक है, लॉजिकली बात करेगा वो, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक लर्न कर लीजिएगा आप कि खिलौने की आयु, अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्या कहते हैं कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप क्या लिख के आएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है। इसमें अनुकरण की भावना भी जागृत होती है। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कॉपी करता है, किसी को देखता है, उसके जो बिहेव होते हैं वैसा ही वो नकल करने लगता है इस एज में। इसमें बालक जो होता है अहमवादी होता है, मतलब ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब वो अपनी बात ही मनवाता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो दूसरों को कम महत्व देता है, कम इम्पोर्टेंस देता है और खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मतलब ईगो सेंट्रिक होता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो एज है इसकी वो है 7 से 11 वर्ष, और इसमें क्या होता है कि जो बालक का जो चिंतन होता है वो क्रमवद तर्कसंगत जो होना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसमें बच्चा अच्छे से सोचने लगता है और एकदम लाइन बाय लाइन उसको मतलब समस्या जो भी होती है उसका समाधान करता है, मतलब थोड़ा सा बच्चा का जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब इसमें बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में बालक जो होता है वो आगे यहाँ पे छूट गया, लेकिन बालक जो होता है वो दिन हुआ, तारीख हुआ, जैसे खुद के बर्थडे हुए तो उनको याद हो जाते हैं, वो बर्थडे हो जाता है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, ठीक है, तो ये मंडे ट्यूसडे वगैरह सब वो लर्न कर लेते हैं इस अवस्था में, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका सेकंड वाला था आप क्या लिख के आएंगे कि खिलौने वाली अवस्था है, लेकिन अगर पलटावी अवस्था, पलटावी मतलब ये कि मतलब बच्चे अपने बातों से मुकर भी जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं वो कुछ कहा जाए नहीं मैंने नहीं किया था तो ठीक है, तो ये पलटावी अवस्था होती है, तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं इस अवस्था में, पलटावी अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो जाना जाता है इसको पलटावी अवस्था के नाम से। नेक्स्ट है कि भाषा तथा संप्रेषण, मतलब जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसका विकास भी इस अवस्था में हो जाता है, बच्चे आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है, इस अवस्था में। तो ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जो रूप संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। अब इसकी जो एज होती है कहीं कहीं 11 से 15 साल तक होती है और कहीं कहीं 12 वर्ष के बाद भी मानी जाती है, ठीक है, तो 11 और 12 यही दोनों रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कहे जा सकते। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है मूर्त चिंतन, मतलब एकदम क्लियरली एकदम अच्छे से वो सोचने विचारने लगता है, उससे योग्य हो जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अब इसमें इसमें कम्प्लीटली तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि इस अवस्था में जो बालक है समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ है उसे अच्छे से एकदम मतलब सही से वो कर सकता है, बिना किसी रुकावट के कर सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो भी कोई भी उसके सामने परिकल्पना है, चाहे कोई भी चीज़ उसके सामने दे दी जाए, तो परीक्षण के माध्यम से उसके समाधान करने में उसकी जो क्षमता होती है वो कम्प्लीटली मॉडिफाइड हो जाती है, उसको कम्प्लीटली समझ लेता है। तो यही है कि बच्चा मतलब इस वाली अवस्था में एकदम पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाता है किसी भी चीज़ को सोचने विचारने या समस्या के समाधान करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये थे हमारे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये स्टेजेस हुए, कॉन्सेप्ट हुए और पियाजे के बारे में हुए, उनको हमने पढ़ा है। और आई थिंक इसी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इससे तो बाहर नहीं आते हैं, ना आने चाहिए, और आएंगे भी तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैंने उसका कलेक्शन भी किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।